स्टार्ट करने से पहले, फ्रिक्शन रादर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमने फोर्सेस में हमने क्या किया, हमने पुलिस के सारे क्वेश्चन किए, कितने कितने टाइप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं पुलिस हमने किया। नेक्स्ट पुलिस के बाद हमने कुछ मासेस के ऊपर स्ट्रिंग्स जो लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट किया था कि कितनी वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन होगी, कैसे निकलेंगी, फोर्स का बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, फ्रिक्शन के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन, फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करती है, फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपकी जो सरफेसेस हैं वो रफ हैं। फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो है इंटर अटोमिक बॉन्डिंग। बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बन गए इट मींस फ्रिक्शन ज्यादा, बॉन्ड्स अगर वीक रह गए तो फ्रिक्शनल फोर्स कम। होता यह है जो रफ सर्फेसेज होती है वो कुछ ऐसी होती है, जैसे मेरा हाथ दो सर्फेसेज हैं रफ है, और सोचो अगर ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स बना ले जैसे मैं अपने हाथ का बना रहा हूं, इट मींस कि इनके लॉक लग गए, लॉकिंग एक तरीके से लॉक लग गए, लॉक तोड़ने में इनको सेपरेट करने में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग लॉक्स लगे हुए हैं आपस में इंटरमिक्सिंग है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही। तो हम उस डिटेल में नहीं जाते इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग क्या होती है जी, एक्चुअल में फ्रिक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में तो आना, प्लस वन की बात अलग थी कि चलो बहुत टाइम था, एक घंटा इसी के ऊपर लगा दिया, बॉन्ड ऐसे होते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो बात अलग होती है। अभी काम की चीज करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है पॉइंट नंबर वन एक अपोजिंग फोर्स है। अगर आप फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन करो कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स की है, तो फ्रिक्शन बेसिकली सिर्फ दो ही टाइप की है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो बेसिकली स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल कैसे प्ले करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो एग्जिस्ट करेगी जब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो अपना रोल प्ले करेगी जब बॉडी मोशन में। अब फर्क क्या है इसमें, कोई मुझे बताएगा स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कंटिन्यू करना जो मैं बोलूंगा, अगर एक बॉडी है, बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम कोई फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, कम से कम कोई फोर्स चाहिए, लेट से वो फोर्स है 10 न्यूटन, कम से कम फोर्स 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन से कम ये बॉडी मूव नहीं करेगी, कोई डाउट इसमें, यानी कि ये इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को अगर ओवरकम करूंगा तो बॉडी मूव करेगी। तो इस केस में बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन ना होती तो मैं अगर उंगली भी लगा देता हूं ये बॉडी मूव करना शुरू कर देती। मैंने इस सपोज इस बॉडी के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लगा दी, अप्लाई कर दी 12 न्यूटन, तो मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम फोर्स 10 न्यूटन, यानी उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस बॉडी की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन, एक क्वेश्चन मेरा। ठीक है, मान लो आपने आंसर दिया 10 न्यूटन, या कुछ चेंज करना चाहते हो आंसर, कम हो जाएगी। ओके, मैं पॉइंट नोट कर लेता हूं। सपोज करो मैंने बॉडी के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स नहीं लगाई, मैंने फोर्स की वैल्यू लगाई 8 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी 10 न्यूटन। मैंने दूसरा पॉइंट नोट कर लिया आपका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप क्या लिख क्या होगे 10 न्यूटन। ठीक, यानी कि अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं, सुनो इसके ऊपर क्वेश्चंस एट होगा, देखो कैसे। सपोज इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स इज 10 न्यूटन, पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। दूसरा, अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाना चाहता हूं और मैंने इसको सिर्फ 2 न्यूटन फोर्स लगाई, विच इज लेस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो भी इसकी 10 न्यूटन की एक मिनिमम फोर्स थी, बॉडी नहीं चलेगी। मैंने फोर्स की, मैंने आपको सिखाया कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपके मोशन को क्या करता है, अपोज। आपकी बात मैंने मान ली और सोचा चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें,
फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैंने लगाई 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, लगा दी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है तो 10 न्यूटन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो लॉ गलत हो गया न्यूटन का। लॉ क्या बोलता है कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस कर दो, नेट फोर्स आ गई, तो अल्टीमेटली ये बॉडी कहां मूव करेगी, पीछे की तरफ। ऐसा होता है कभी? पहली बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, मैंने इसमें 2 न्यूटन लगाई और सोचो बॉडी मेरे पास आनी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता, बॉडी मूव नहीं करती। आंसर क्या आएगा? बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी इसलिए मूव नहीं करेगी क्योंकि यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 नहीं, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 डेवलप होगी। 2 और 2 एक दूसरे को क्या कर गई? यस, कोई डाउट? ठीक हो गया यहां तक? यानी कि इस केस में क्या होगा, 2 एंड 2 कैंसिल, बॉडी विल नॉट मूव। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, 2 न्यूटन की जगह हम इस बॉडी पे 3 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन। मैंने 4 लगाया तो 4 मींस मैंने 1 न्यूटन लगाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। मैंने 2 लगाया तो 2 न्यूटन, मैंने 4 लगाया तो 4 न्यूटन, मैंने 9 लगाया तो 9 न्यूटन। बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी? 10। तो मैंने 10 लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन। अब क्या हुआ, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दी 10 की जगह 12 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी? ओके, मैं नोट कर लेता हूं, आपने कहा 10 न्यूटन, 2 मिनट संभाल लेता हूं। सिर्फ एक चीज बताओ मुझे, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी और इतनी थी, बॉडी वॉज लाइंग एट, बिल्कुल ठीक है यहां तक? तो ये सारी फ्रिक्शंस स्टैटिक फ्रिक्शंस हैं, स्टैटिक फ्रिक्शंस हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ मींस अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं इसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड फोर्स, और ये गेम तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं करते, और मैक्सिमम वैल्यू इसको हिलाने के लिए कितनी थी? 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वॉज 10, अगर आपने अप्लाइड फोर्स 10 से ऊपर क्रॉस कर दिया आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो ये जो भी मोशन में फ्रिक्शन की वैल्यूज आएंगी उनका नाम क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब बॉडी किसमें आ चुकी है? मोशन में। याद क्लियर है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया? तो या तो आप बोलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या बोलो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक ही बात है। जो इस केस में कितनी रहेगी? 10। उसके बाद बॉडी किसमें आ जाएगी? मोशन। कोई डाउट इसमें? आपने कहा था कि 10 से कम, इसमें कहा था कि नहीं, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो आंसर 10 नहीं होगा, आंसर 10 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, एक्चुअल में यहां 10 नहीं आएगा, लेट से यहां पर 9.5 आ गया। इसके बाद आप चाहे बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन भी फोर्स लगा लोगे तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू विल रिमेन 9.5। ऐसा होता है, खड़ी हुई बॉडी के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा बन जाते हैं, चलती हुई बॉडी के कुछ बॉन्ड्स बनते हैं क्योंकि वो चल रही है, कुछ बॉन्ड नहीं बनते, तो उनको उसको चलाना ज्यादा इजी है। यानी कि चलती हुई बॉडी पे फ्रिक्शन हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू स्टेशनरी। ज्यादा क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो तभी बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? समझ आ रही है बात? तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करते ना, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और आपने अप्लाई कर दी 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव के अंदर आंसर 10 न्यूटन मत अप्लाई लिख के आना, क्या आप लिख के आओगे? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन है। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन करके एक टॉपिक होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लॉज में जो पहला लॉ है वो ये बोलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करेगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा लॉ ये बोलता है कि इट इज जो मेन लॉ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे आपकी ये एक बॉडी है फ्लोर के ऊपर, इसका वेट mg है, इसका नॉर्मल रिएक्शन r है, तो r इज इक्वल टू mg। ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सम कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। वो कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, या म्यू टाइम्स mg। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक। और अगर आपकी सरफेस इंक्लाइंड है
ये आपकी इंक्लाइंड सरफेस है, इसका वेट mg नीचे है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, mg के दो कंपोनेंट्स हैं, mg cos थीटा है, mg sin थीटा, बॉडी mg sin थीटा से नीचे आएगी और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है r, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होते हैं mg, इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी म्यू टाइम्स आर, आर का मतलब mg, कोई डाउट है, म्यू सरफेस पे डिपेंड करेगा रफनेस, कितनी खुरदरी है, कितने ऐसे, ये कितनी ज्यादा है, नीचे वाली कम रफ है, ऊपर वाली ज्यादा रफ है, एरिया ऊपर कोई ध्यान देना नहीं, सब ठीक है, ठीक। अब होता क्या है, मैंने आपको सिखा दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका है नॉर्मल रिएक्शन आर एम जी, तो आर इज इक्वल टू एम जी, अगर इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम एम जी, ठीक। आप मान लो म्यू की वैल्यू आपको वन की बन है, पुट कर ली, मान लो एम की वैल्यू आपको वन के जी है, पुट कर ली, जी की वैल्यू टेन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई टेन, बॉडी चल पड़ी, जब बॉडी चल पड़ी तो ये फ्रिक्शन की फोर्स टेन न्यूटन से क्या जाएगी कम आ जाएगी, लेट से 9 point, मान लो 9.8, लेट से 9.8 न्यूटन आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर्मूला अगर मैं 9.8 निकालना चाहता हूं तो क्या फॉर्मूला चेंज करूं न्यू टाइम एम जी का, तभी देखो कुछ तो चेंज होगा कि आंसर 10 ना आए, चलती हुई बॉडी के लिए 9.8 आए, रुकी हुई बॉडी के लिए ऑटोमेटिकली 10 आए, मास तो चेंज हो नहीं सकता, खड़ी बॉडी और चलती हुई बॉडी का मास सेम है, जी चेंज नहीं हो सकता, अर्थ तो हम चेंज करने से रहे, क्या चेंज होगा न्यू। तो इसलिए आपकी बुक्स में दो तरीके के म्यूज गिवन होते हैं, एक म्यू एस, एक म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, समझ आ रहा है यहां पर। तो इसीलिए तो जब आप फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी निकालते हो या फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी निकालते हो, जब आपकी बॉडी मोशन में है तो आपने ये यूज करना है, यही यूज करना है। और अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग की बात कर रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की तो आपने ये यूज करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से स्टैटिक फ्रिक्शन ही निकलेगी। स्टैटिक तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, अगर आपने 1 अप्लाई की तो 1, 2 अप्लाई की तो 2, तो ये कौन सी फ्रिक्शन निकलेगी, लिमिटिंग, लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो मुझे करना है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसमें था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक, अगर मैं थ्योरी अगर याद करूं, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, ये तो रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हम करते रहेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, और सपोज करो इसको नीचे कौन लेके जा रहा है, एम जी साइन थीटा, और मान लो फ्रिक्शन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इसमें, म्यू टाइम्स आर, आर स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर क्या होगा एम जी कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि बॉडी के नीचे आने की एक्सेलरेशन निकालो ए, तो उसके इसमें क्या करोगे, बड़ी फोर्स माइनस बड़ी फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू, निकाल लेना, ठीक है ना, यहां था कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी करेंगे अब खुद सॉल्व करना, और इसको खुद सॉल्व करना और खुद ही बताना इसमें क्या करना है। अभी आज हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के ऊपर, अगर क्वेश्चन फ्रिक्शन का गलत हुआ तो जहां तक मैं समझता हूं आम क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यार पता है ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर है, ब्लॉक को ऊपर खींच रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर गलत हुआ तो एक ही केस में गलत हो सकता है लोगों का, कब, जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है। फ्रिक्शन के असली जो एप्लीकेशन है वो यही है, जहां आपका पेन शायद रुक सकता है कि पता नहीं अब क्या करें, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि फ्रिक्शन इधर लें कि इधर लें। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, जितने मर्जी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ले लेना, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक। और ये 3 बिल्कुल जिसे कहते हैं चुने हुए क्वेश्चन है,
आप ये कर लोगे आपको आपका डर निकल जाएगा इमोशन से, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज ये एक ब्लॉक है 4 kg का, सपोज ये एक ब्लॉक है 2 kg का, सपोज यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F2 = 20 newton और मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं F1 = 2 newton, ठीक। क्वेश्चन है मुझे इसमें निकालना है कि और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मान लेना इसमें F है, ये स्मूथ है, नीचे वाला तो स्मूथ है छोड़ दो इसे, जो ऊपर है दिस इज रफ, अगर रफ है यहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन पक्का होगी ही होगी, जितनी भी होगी मुझे मालूम नहीं बट है, ठीक। इसमें नेक्स्ट जो गिवन है मुझे इसमें निकालना है एफ की वैल्यू इसमें क्या होगी, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही निकालनी है क्या होगी, इकट्ठे कभी नहीं हो सकते, डायग्राम देखा आंसर निकाल लें नहीं निकलेगा, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाने पड़ेगा। आप पहले डिसाइड करो 2 kg के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, फ्री बॉडी का मतलब इनके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगी, फिर डिसाइड करो 4 kg के ऊपर क्या होगा और फिर न्यूटन का लॉ लगाओ कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो अगर मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर से इस डायग्राम को देखूं तो मेरे को एक चीज पता है, क्या, कि ये जो आपकी जो बॉडीज है वो 20 न्यूटन की तरफ मूव करेंगी, वो 2 की तरफ तो मूव कर नहीं सकती, तो ये कहां पर मूव करेंगी 20, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक 2 kg का ब्लॉक बनाया और इस तरफ फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है 2 newton, फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं। अब एक चीज याद रखो कि सपोज यहां इसके नीचे फोर्स ऑफ क्या होगी, फ्रिक्शन, अगर इसके नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो वो कहां एक्ट करेगी, पीछे, मींस यहां पर एक्ट करेगी, ठीक है ना, यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं सपोज 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसको इस तरफ कितनी फोर्स एक्ट कर रही है 20 newton और इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां एक्ट करेगी, पीछे, ठीक है ना। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को करने का मतलब तरीका क्या है, एग्जैक्टली क्या पता कैसे लगा कि एफ इधर है या एफ इधर है, आप 2 मिनट सोचो कि मैं 2 kg का ब्लॉक हूं, मैं ना खड़ा हो गया 4 kg के ऊपर, ठीक, और मान लो फ्रिक्शन नहीं है, आपने क्या किया, मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको कंपेयर नहीं करना, मैं एक ब्लॉक हूं, आपने नीचे फ्रिक्शन नहीं है फ्लोर के बीच में, आपने क्या किया, नीचे गए और आपने 20 newton की फोर्स से मेरे ब्लॉक को खींच दिया, मैं तो साथ ही जा पाऊंगा क्योंकि मेरे को फ्रिक्शन मिली नहीं, तो मैं नीचे गिर गया, ब्लॉक आगे चला गया, मैं नीचे गिर गया, पहला केस। दूसरा केस, मेरे और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है और आपने फिर से क्या किया, आपने नीचे वाले ब्लॉक को आप आगे ले गए, क्लियर है यहां तक। अब मेरे को, मेरे ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही पर फिर भी मैं इनके साथ मूव करना शुरू करूंगा, ठीक, और क्यों शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या मिल गई, फ्रिक्शन, तो मेरे लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ, जिस तरफ आप ब्लॉक को खींच रहे हो, ठीक। ये तो इसके तो 2 forces का क्वेश्चन है, पहले एक का देखूं, दिखाऊं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 4 kg 2 kg ये 20 newton और मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां फ्रिक्शन है तो उस केस में अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बने तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, 2 kg का ब्लॉक साथ जाएगा ना, हाँ,
मैं यही बताना चाहता हूं, फ्रिक्शन दो बार एक्ट, दो बार मीन्स कि फ्रिक्शन 2 kg के ऊपर भी एक्ट करेगी, 4 के ऊपर भी एक्ट करेगी, एक को फायदा देगी तो एक को नुकसान देगी। 2 kg वाला खुश हो जाएगा, मैं साथ मूव करूंगा, अच्छा हो गया। 4 kg वाला फिर कैसे खुश हो जाएगा कि मेरे को उठाना पड़ रहा है उसे, तो मेरे लिए तो एक फ्रिक्शन जो है वो अपोज ही कर रही है मेरे को। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 2 kg का तो फ्रिक्शन इधर दे दिया हमने, चलो ये तो इसकी मोशन स्टार्ट हो गई, लेकिन जो 4 kg है, जो 4 kg है उसके ऊपर 20 N इस तरफ है, 20 N इस तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसमान में आ रही है। और रूल बड़ा सिंपल है कि इसमें मान लो ये एक्सलेट कर रहा है विद ए, ये भी एक्सलेट कर रहा है विद ए, तो इसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और इस केस में 20 - F इज इक्वल टू 4 × एक्सलेशन, सेकेंड इक्वेशन। सोल्व हो जाएंगी इक्वेशंस, इक्वेशन सोल्व करना बड़ी बात थोड़ी ना है, लॉज ऑफ मोशन में तो इक्वेशन बनाना बड़ी बात है। यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ्रिक्शन हेल्प कर रही है दूसरी बॉडी के लिए, फ्रिक्शन अपोजिशन में, ठीक। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, मैंने क्वेश्चन जो है वो दो फोर्सेस का ले लिया, मेरे को पहले एक फोर्स का ले लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, अब सही वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ज्यादा क्लियर है ना। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, दूसरे केस में मैं ये सपोज 4 kg है, ये फिर से 2 kg है, इस बार जो मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 N की, वो ऊपर लगा रहा हूं, ये स्मूथ है, ये फ्रिक्शन है। अब अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मान लो फ्रिक्शन सफिशियंट है कि ये दोनों इकट्ठे मूव कर सकें, फ्रिक्शन सफिशियंट है, तो 2 kg का जो ब्लॉक है कुछ भी नहीं, नीचे स्मूथ है, फ्रिक्शन एफ है, 2 kg का ब्लॉक, अब उसको नुकसान है क्योंकि उसको किसको साथ लेके जाना पड़ेगा, वो तो यही कहेगा ना यार फ्रिक्शन मेरे को अपोज कर रही है, और फ्रिक्शन जनरेट कौन कर रहा है, 4 kg कर रहा है, ठीक हो गया यहां तक, तो इसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट हो गई। और अगर जो 4 kg है वो खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है फ्रिक्शन की वजह से ही सही, मैं आगे तो जाऊंगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के साथ, कोई डाउट इसमें, ठीक। इसके लिए इक्वेशन फोर्स इज 4 × a, ये मान लो a के साथ मूव कर रहे, ये भी a के साथ मूव कर रहे, इसके लिए इक्वेशन 10 - F इज इक्वल टू 2 × a, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। दो केस तो क्लियर हो गए, मतलब ये तो अब आंख बंद करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, कि अगर फोर्स नीचे है तो क्या करना है, ऊपर है तो क्या करना है। अब थर्ड केस करते हैं, जो हम कर रहे थे, जो अभी हम जिसमें मैंने पहले से दो फोर्सेस ले ली थी, ऊपर भी और नीचे भी, यहां तक तो क्लियर है। बनाओ फिर, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था उसको एक बार चेक करो क्या होगा, जो मैंने वो 20 N और 2 N वाला, सबसे पहला म्यू नहीं गिवन ना, ऐसे तो करना है इक्वेशन बना के, एफ सॉल्व करना है, म्यू की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एक काम करो, म्यू की वैल्यू इसमें आप ले लो मुझसे, म्यू की वैल्यू इज हाफ ले लो, दे दिया, म्यू की वैल्यू इज 1/2। अब बताओ, म्यू की वैल्यू आपको चाहिए होगी, बिना म्यू के सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन,
आंसर है, उधर फोर्स दिया होगा कोई बड़ी बात नहीं, पर मैंने म्यू दे दिया, तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि फर्क क्या पड़ता है यार, एफ 8 न्यूटन आ तो गया था, फर्क पड़ता है। ये चेक करवाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं एक ब्लॉग इधर निकल गया, एक ब्लॉग इधर निकल गया, फिर आप क्या कर लोगे, फिर एक्सेलेरेशन किसकी निकलेगी, फिर तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर वो चेक कैसे करना है ध्यान से देखो। अगर सपोज करो कि मान लो एक मिनट के लिए यहां पर सपोज करो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। मैंने कहा था कि जब इसका म्यू मान लो हाफ है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने हाफ दिया था, तो सबसे पहले शायद काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आया होगा, या अगर आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया, कि क्यों ना इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीधा निकाल लें, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। इस सरफेस के ऊपर जो 4 और 2 kg का इंटरफेस है, ये 4 kg है और ये 2 kg है, यहां आपके पास फ्रिक्शन है, इसका म्यू मैं आपको दे रहा हूं हाफ। 2 kg के लिए ये ग्राउंड है, 2 kg के लिए तो ग्राउंड है, तो अगर ग्राउंड है तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और 2 kg नीचे कितना वेट लगा रहा है 2g, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्या होगा, और तो म्यू टाइम्स आर एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एम जी, एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एम की जगह 2g, तो आंसर क्या आ गया अप्रोक्सीमेटली 10। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 N क्यों नहीं है यार, 8 N कैसे होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करो। फिर म्यू म्यू का क्या रोल है, देखो नहीं नहीं गलत आंसर है, देखो ध्यान से, अभी भी बताया था ये कौन सी फ्रिक्शन आई, स्टैटिक आई, ये स्टैटिक आई, बोला था एफ इज इक्वल टू म्यू आर से ये जो फ्रिक्शन आएगी दिस इज दी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि 2 kg का ब्लॉक बोल रहा है मेरे को अगर आप 4 kg से सेपरेट करना चाहते हो तो लगाओ 10 N की फोर्स, मैं सेपरेट हो जाऊंगा। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स मेरे ऊपर 10 N से कम हुई फिर मैं सेपरेट नहीं होता, फिर मैं कहीं पड़ा रहूंगा जहां पर हूं, और अगर मैं पड़ा रहूंगा तो जहां 4 kg जाएगा मैं भी साथ साथ चल पड़ूंगा, यानी कि देयर विल बी नो सेपरेशन। समझ में आ रही है बात, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या रोल है। अब कई बार ऐसा होता है जब आप सॉल्व करोगे एफ की वैल्यू आ जाएगी 20 N और स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है 10 N, तो समझो कि सेपरेशन हुई हुई, तो एक बॉडी इधर जाएगी तो दूसरी बॉडी उल्टी जाएगी, या हो सकता है एक बॉडी स्लो जाएगी एक बॉडी फास्ट जाएगी। आइडिया पता लग रहा है कि वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं आता, बट ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉल्व करने पे आएगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगी, तो उस केस में कॉमन एक्सेलरेशन ही होने वाली इनकी। पॉइंट क्लियर है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 है और अप्लाइड फोर्स जो हमने इक्वेशन सॉल्व की, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मींस मैं ये कह रहा हूं कि 2 kg का ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके लिए इक्वेशन बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये भी इधर ही मूव कर रहा है, तो 20 - F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों को सॉल्व करोगे एफ आएगा 8 N। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है 8 N और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है 10 N, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो वही होगा ना जो एक्चुअल में अप्लाई कर रही हो रही है फ्रिक्शन, और एक्चुअल में कौन सी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 8 N स्टैटिक। तो आपने लिमिटिंग नहीं बोलना, लिमिटिंग तो आपसे तब पूछेगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी होगी, निकालनी नहीं अभी लिमिटिंग, ठीक ऊपर नीचे सेम होती है फ्रिक्शन। तो अगर दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में है ना, तो आपकी और मेरी फ्रिक्शन सेम होती है 4 kg के। क्या आप बात करते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या बात, लो
ये तो फिर यार फिर मुझे बताना चाहिए था, इसका मतलब मैं एस्टिमेट ज्यादा कर गया, लो फिर पहले यही हो जाए, एक दो तीन, 2 kg, 4 kg, 6 kg, यहां पर भी फ्रिक्शन, यहां पर भी फ्रिक्शन, यहां पर भी फ्रिक्शन, यहां म्यू की वैल्यू 0.1, म्यू की वैल्यू 0.2, म्यू की वैल्यू निकालने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.3 इंटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन। अब इस फ्लोर पे कितना भार लग रहा है, वेट 6 + 4 = 10, 10 + 2 = 12, ठीक है ना। तो यहां पर ये फ्लोर बोलेगा मेरे ऊपर 12 g लग रहा है, तो इस फ्लोर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन में कितने 12 g है। अब थोड़ा ऊपर आ जाए, अब ये एक फ्लोर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इंटू इस फ्लोर के ऊपर कितना भार है 6 g, और इसके ऊपर कितने 0.1 इंटू सिर्फ, अब ठीक है 4 kg नहीं करेगा ना, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। बॉडीज में क्या होगा आपको आता है, करके क्या दिखाना, किसको फायदा किसी को नुकसान कैलकुलेट करना है। तो अगर तो फायदा हो रहा है तो बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7 लगा दो, अगर मीन जिसके ऊपर अगर आपने किसी ब्लॉक के ऊपर एफ अप्लाई कर दिया ना, तो समझो उसकी फ्रिक्शन तो अपोजिटिंग एफ के, जिसके ऊपर नहीं अप्लाई किया उसकी फ्रिक्शन हेल्प करेगी मोशन में, सिंपल है। नहीं, वो हमें पता लग जाता है ना, देखते ही पता लग जाता है। नहीं, इसमें काइनेटिक का कोई रोल नहीं होता, इसमें काइनेटिक तब होती है जब कोई बॉडी एक फ्लोर के ऊपर स्मूथली मूव ही करती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं। ऐसे नॉर्मली ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन में ब्लॉक्स नॉर्मली 99% क्वेश्चन में इकट्ठे ही मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपको रादर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वैसे ही जैसे भी क्वेश्चन सोल्व किया वो 2 N - FSM में यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन बुक में थे ना आपकी किताबों में सारे हैं मेरे पास, आप दूसरा क्वेश्चन नोट करो जरा, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोलो ले लेना यार, यही नोट्स अच्छे हैं, उसके बाद ना अब था साथ नोट भी कर ही लेना है। एक काम करते हैं, आप इसमें नोट करो MBMA न्यू की वैल्यू भी गिवन है, हाँ ये कर सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है एक ब्लॉक है ए, मास की वैल्यू 35 kg, एक ब्लॉक है बी, मास की वैल्यू 7 kg, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 N, इनके बीच में म्यू मैं आपको दे रहा हूं लेकिन स्टैटिक 0.5 और इनका म्यू काइनेटिक 0.4, ठीक। आपको इसमें क्या निकालना है,
आपको ए और बी आपको बॉडी की एक्सेलरेशन निकालनी है क्या होगी, बॉडी की एक्सेलरेशन निकालनी है क्या होगी, मैंने पहले चेक करना सिखाया, चेक कर लो कहीं बॉडी सेपरेट तो नहीं हो जाएंगी, और जिसका डर था वही हुआ क्या, मैंने जब इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक की म्यू एस इंटू मास ऑफ बी इंटू जी, समझ आया स्टेप, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मास ऑफ बी इंटू जी, ठीक है ना यहां तक, तो जब मैंने चेक किया म्यू एस की वैल्यू थी 0.5, मास ऑफ बी 100 इंटू लेट से जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ही पुट कर लो, कितना आंसर आ रहा है, ओ गलत हो गया, मास ऑफ, ठीक है तभी आंसर से आया, ठीक है मैं नोट किया हुआ आंसर 35 है, ठीक है 35 न्यूटन हो गया। अब मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की, 100, गड़बड़ हो गई ना, अब ऊपर वाला बी ब्लॉक क्या बोलता था, मेरे को हिलाना चाहते हो 35 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो लगाने वाले ने कहा कि चल ठीक 100 न्यूटन लगाते हैं, अब सेपरेशन हो गई, सेपरेशन हो गई, अब जब सेपरेशन हो गई तो फिर क्या हुआ कि देखो फ्रिक्शन अभी भी है, ये मत सोचो कि सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि अब ए और बी का कोई लेना देना नहीं, फ्रिक्शन तो थोड़ी बहुत है, फ्रिक्शन की वजह से नीचे वाली सरफेस स्मूथ भी है, ए को मूव तो करना है, पर हाँ ए उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से बी मूव करेगा, तो एक चीज तो क्लियर, दोनों की एक्सलेशंस डिफरेंट है, ठीक, अब बनाओ डायग्राम, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस इसमें एक्सलेशंस डिफरेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में को कुछ बचा ही नहीं, ये देखो इधर देख लो, इधर देख लो 100 न्यूटन की फोर्स आगे है, पीछे की तरफ कितनी फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन स्टैटिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बॉडी चल पड़ी, सेपरेशन स्टार्ट हो गई, कनेक्ट काइनेटिक, बाकी करने बड़ी फोर्स छोटी फोर्स मास इनटू 10.3 आ गया, देख ठीक है, और जो ए बॉडी है, जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक इसकी मोशन होगी तो इसी तरफ, हम भी मूव इकट्ठे करेंगे लेकिन विद सम डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो ए के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, कौन ए को आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, इसको तो फ्रिक्शन लेके जा सकती है, और कौन सी, काइनेटिक, ठीक है ना, तो एफ के इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एफ के हम निकाल चुके हैं, मास ऑफ ए हमें मालूम है, ए निकाल लेना आंसर, मेथड जो बी बॉडी है उसको फ्रिक्शन अपोज कर रही है, लेकिन ए बॉडी को तो फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, कौन सी, काइनेटिक, स्टैटिक तो सिर्फ चेक करने के लिए होती है कि दोनों में म्यू एफके की वैल्यू 28 पुट कर ली सीधी, म्यू एमजी क्यों पुट करूं वापस, एफके तो दोनों में सेम ही है ना आगे और पीछे,
लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर. सपोज आपके पास एक बॉडी है, 40 केजी की बॉडी है, कोई स्लैब है, एंड इसके ऊपर एक और बॉडी है, 10 केजी की बॉडी है, 100 न्यूटन की फोर्स है जो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और ये ब्लॉक है. यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन है. और मुझे इसमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ स्लैब, ये क्वेश्चन है. और जो मैंने शेड, ये जो शेडेड पोर्शन किया, इसका म्यू स्टैटिक गिवन है क्वेश्चन में, कोई 0.60, एंड म्यू काइनेटिक गिवन है 0.4. ठीक, मुझे स्लैब की एक्सेलेरेशन निकालनी है. स्लैब की एक्सेलेरेशन क्या होगी, वैसे तो क्वेश्चन अभी हमने ऐसा ही किया सेम. तो स्टार्ट विथ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करो. हाँ, तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं. लिमिटिंग, तो F इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू 10g. यहां पर 10g, तो म्यू एस कितना आ रहा, सॉल्व करने के बाद 60. आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, 100 न्यूटन. आपकी फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर गई. सेम केस बन गया जो भी किया था, पर इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि इसमें ब्लॉक की एक्सेलेरेशन ही पूछी, इसमें स्लैब की पूछी है. तो स्लैब को, तो स्लैब की एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो स्लैब है उसको तो एक ही चीज मूव करवा सकती है, और वो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक. ध्यान से, काइनेटिक, ठीक है ना यहां तक. और काइनेटिक निकाल लेना, म्यू काइनेटिक इनटू 10 इनटू जी, इसके ऊपर फ्रिक्शन ए लगाएगा, और बस दिस इज इक्वल टू 40 into g, mass into, sorry, 40 into a, mass into acceleration. बट अ पॉइंट क्लियर है. ठीक, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन है. एक टाइप में अभी भूल गया था, मुझे याद आ गया एकदम, बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, इसके भी बड़े क्वेश्चन आते हैं. अंदर ही अंदर क्या फोर्सेज लग रही है, ये बड़ी आसान है. इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, सिंपल है. अगर एक बॉडी है और इसका मास सपोज m1 है, इसके साथ कांटेक्ट में एक बॉडी है, इसका मास m2 है, और इसमें सपोज करो मैं इसको यहां फोर्स लगा रहा हूं f, तो बोलो ये कितनी एक्सेलेरेशन से आगे मूव करेंगी बॉडीज, एंड बताओ कि इनके अंदर कांटेक्ट फोर्स कितनी है. कांटेक्ट फोर्स का मतलब कि m1 ने m2 के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, जितनी फोर्स m1 m2 के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स m2 m1 के ऊपर भी लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट. तो लेट्स से अंदर ही अंदर इसने टी और इसने टी फोर्स लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में m1 के इस तरफ कितनी फोर्स है F, और m1 को m2 इधर फोर्स लगाएगा T, और जो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम है, M2 को राइट की तरफ फोर्स टी लगी, M1 ने लगाई, तभी तो M2 राइट की तरफ मूव करेगा. तो ये दोनों के दोनों A एक्सेलेरेशन से आगे मूव करेंगे. इसके लिए नेट फोर्स क्या होगी, F माइनस T इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, और इसके लिए T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, टी भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा. फॉर्मूला याद कोई नहीं करना आपने, एक्सेलेरेशन में कुछ करना ही नहीं है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. आप कैंसिल करोगे, अगर टी और टी कैंसिल हो गया तो वही आंसर आ गया, बट एक्सेलेरेशन पूछेगा कौन, पूछेगा ही टेंशन आपसे, फोर्स पूछेगा. तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने ही बनाने पड़ेंगे इसमें. याद है, क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक.
तीन लगा लो, हर तरफ से फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम में फर्क है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां चेंज है? सिर्फ M2 के पास सिर्फ T फोर्स थी अभी तक, आप FV लगा लेना, फिर बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। अभी तक तो T है, इसमें तो T है, पर अगर आप कह रहे हो नहीं मैंने FV लगानी है तो फ्री बॉडी डायग्राम में या फिर FV लगा देना, ये कर सकते हैं और तो कोई चेंज नहीं इसमें। अभी जैसे सपोज ये M1 है, इसके बाद M2 है, इसके बाद M3 है, और सपोज F फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, इनकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालनी है। सिस्टम मान लो A के साथ मूव कर रहा है, M1 M2 के ऊपर फोर्स लगाएगा T, M2 M1 के ऊपर लगाएगा T, M2 M3 के ऊपर लगाएगा T, M3 M M3 के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोर्स लग जाएगी क्योंकि वो मिलके लगाएंगे, हाँ दो ज्यादा लगाएंगे पर डिफरेंट होगी जो भी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम M1 है, फोर्स F है, M2 ने ऑपोजिट फोर्स T लगाई, M2 को M1 ने फोर्स लगाई T, लेकिन M3 ने कितनी लगाई T1, M3 को M2 ने कितनी फोर्स लगाई T1, अगर लग रही हो तो M3 को, तो अगर इधर से लगानी है तो फिर इधर भी ऐड हो जाएगी ना, और क्या फर्क है? नहीं नहीं नहीं, जहां फोर्स लगती है वहां थोड़ा टेंशन होगी यार, ब्लॉक्स के बीच में टेंशन होगी, कोने में तो फोर्स ही लग गई है, वो फिर वेरिएबल्स हो गए टी, तेरे को क्या पता टी वन और टी कितने अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। एक काम करो, घर जाके काम करना, एक यहाँ फोर्स मत लगाना, एफ की न्यूमेरिकल ले लेना, एम वन एम टू एम थ्री ले लेना, टी और टी वन निकाल लेना, फिर एक काम करना यहाँ भी फोर्स लगा लेना, फिर निकालना टी टी वन, आंसर डिफरेंट, यानी कि फोर्स ने अफेक्ट किया। एक सिस्टम एफ, ओके 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 ओके, अगर पता नहीं लग रहा कि कौन एफ इधर की फोर्स बढ़ी है, जैसे मर्जी लगा लो, जो मर्जी अज्यूम कर लो, आपका साइन अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, हार्डली मैटर्स, ठीक। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ए के साथ मूव कर रहा है, ए ए एंड ए, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ इसके लिए इक्वेशन F माइनस T इज M1 इनटू A, इसके लिए इक्वेशन T माइनस T1 इज M2 इनटू A, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, और लास्ट इसके लिए T1 इज M3। क्लियर है यहां तक?
अब यहां तक तो आपके फोर्सेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक कॉन्सेप्ट बच गया फोर्स के अंदर और वो है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। ठीक, एक ऐसी चीज है क्वेश्चन आपकी किताब में हो सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के, वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं अभी के भी वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा हर क्वेश्चन कि मोमेंटम कंजर्वेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाना है और कैसे लगाना है, दो आंसर दूंगा। लेकिन एक चीज याद रहे, जब मैंने अभी करवा दिया ना, फिर मैं वर्क पर एनर्जी में नहीं करवाऊंगा या फिर मैं रोटेशनल के अंदर नहीं करवाऊंगा, फिर हम सीधा इस लिस्ट को रेफर करेंगे। ठीक, तो पहला केस है इसमें जो मोमेंटम कंजर्वेशन हम केस करने जा रहे हैं, इसमें सपोज पहला एग्जांपल है मोमेंटम कांस्टेंट का। देखो, जब एक गन है और बीच में से क्या निकलती है, बुलेट। रूल नंबर वन, एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स एफ जीरो का मतलब कि सपोज करो दो बॉल्स हैं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दो बॉल्स को मैंने उठाया अपनी मर्जी से, मैं अपनी वेलोसिटी के साथ लेके आ रहा हूं, टक्कर हुई, मेरी मर्जी है, मैं नहीं फेंकता उनको, पकड़ के रख बैठ गया, मेरी मर्जी है, बहुत जोर की फेंक देता हूं, मेरी मर्जी है, धीरे फेंकता हूं, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल। इसी का एक नया वर्जन सुनो, बॉल्स को फेंक दिया, बस अब नहीं देखना आपने, जो हो गया हो गया, बॉल्स आ रही हैं किसी वेलोसिटी के साथ, टक्कर हो रही है और सेपरेट हो रही है, मेरी इंटरफेरेंस नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। जहां पर मेरी इंटरफेरेंस नहीं है उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम,
when no external force is applied, this is known as a isolated system. So jab balls collide karti hain, to iska matlab kaun sa system hai? Isolated. Second example, gun hai, bullet hai. Pehla case, maine bullet ko uthaya, apni marzi se aage leke phenk diya, apni marzi se maine gun ko dhakka maar diya. External force applied. Ab dusra example, maine sirf goli chalai. अंदर स्प्रिंग है, अपनी देखो इंटरनल फोर्सेस चलेंगी. एफ इज डीपी बाई डीटी में एफ इज नॉट इंटरनल, एफ इज बाहर से कोई धक्का नहीं मारेगा. हाँ ठीक है, उनकी अपनी इंटरनल फोर्सेस है स्प्रिंग की, स्प्रिंग खुल गया, बुलेट आ गए, गन पीछे. आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा. सपोज बोट के ऊपर खड़ा हुआ हूं, फ्रिक्शन है नहीं बोट और वॉटर में, मैं आगे चलता हूं, बोट पीछे आती है, बोट पीछे आएगी. दूसरा एग्जाम्पल, मैं आगे चल रहा हूं, नीचे कोई पानी में खड़ा हुआ है और वो बोट को धक्का मार रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, तो उसकी फोर्स की वजह से बोट पीछे आ रही है, और पहले केस में मेरी इंटरनल फोर्स है, मैं एक्शन लगा रहा हूं इंटरनली, बोट के ऊपर क्या लग रहा है? वेट. पहला केस आइसोलेटेड है, दूसरा केस आइसोलेटेड नहीं. बॉम्ब पड़ा हुआ था और बॉम्ब की इंटरनल केमिकल एनर्जी थी या जो भी एनर्जी थी जिससे वो एक्सप्लोड हो गया, टुकड़े गिर गए इधर उधर, इधर टुकड़े गिर गए. Isolated. बॉम्ब पड़ा हुआ था, कैसे एक्सप्लोड हुआ? पहले मैंने उसको तोड़ा, फिर मैंने टुकड़े फेंके. एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड. ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इंटरनल फोर्स वाला आइसोलेटेड सिस्टम. इमेजिन कर पा रहे हो? अब कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें मैं जाके ऐसा काम करता हूं, मैं कुछ नहीं करता एक्चुअल में? तो ये सारे सिस्टम हमेशा क्या आते हैं? आइसोलेटेड. ठीक है ना, यहां तक? जब तक कोई बाहर से धक्का नहीं मारेगा वो नॉन आइसोलेटेड है. हम कैटेगरी बनाते हैं कि कौन कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है. जो आइसोलेटेड है ऑटोमेटिकली उनमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ही लगेगा. तो पहला एग्जांपल बुलेट और गन का, गोली अपने आप चलेगी, हम चलाएंगे जरूर, पर फोर्स अपने आप, रिएक्शन अपने आप. तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन सेज कि गोली चलने से पहले मोमेंटम, गोली चलने के बाद मोमेंटम सेम. गोली चलने से पहले बुलेट रेस्ट पे, गन भी रेस्ट पे. गोली चल गई, बुलेट का मोमेंटम एम वन वी वन, तो गन का M2 V2, तो M1 V1 प्लस M2 V2, लेकिन इनिशियल टोटल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? तो आगे साइन क्या आएगा? माइनस, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिस वजह से साइन ऑपोजिट होंगे, लेकिन टोटल सम की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो. तो सुना होगा ना, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यहां से आया हुआ है. पहला एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक. नंबर टू, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है कि जब कोई बॉडी आगे जाएगी तो उसके रिएक्शन से गन पीछे आएगी, तो M1 V1 is equal to M2 V2 कर ले. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर टू. सपोज एक बोट है और साथ में एक मैन है. एक बोट का मास M1 है, मैन मास M2 है, रिएक्शन है नहीं. सपोज ये आगे चलता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, v2, तो बोलो बोट कितनी वेलोसिटी से पीछे गई, ये निकालना है. जब इसको करने के दो तरीके होते हैं, कई लोग रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं, बट मैं रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में आपको डालना चाहता नहीं हूं, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन, वेक्टर्स ज्यादा आ जाते हैं. हम स्केलर में करते हैं सिंपल. जब मैन नहीं चला था, मैन का मोमेंटम जीरो, बोट को कोई बाहर से धक्का नहीं मारेगा, आइसोलेटेड सिस्टम है, मैन चलेगा तो बोट पीछे जाएगी, और इनिशियली बोट भी किस पे थी? रेस्ट पे. ठीक है, तक दोनों रेस्ट पे, टोटल मोमेंटम जीरो. मैन चल पड़ा आगे की तरफ, मोमेंटम कितना? एम टू वी टू, जिस वजह से बोट को पीछे जाना पड़ा विद अ मोमेंटम ऑफ, बोलो विद अ मोमेंटम ऑफ एम एम वन प्लस एम टू इन टू वी, क्योंकि जब बोट गई तो साथ में किसको वापस ले आई? मैन को वापस ले आई. तो इसीलिए बोट का अकेला नहीं, बोट के साथ कौन पीछे आ रहा है? मैन. तो यहां पर M1 प्लस M2 और साइन आगे क्या? नेगेटिव. इसलिए क्योंकि बोट की जो मोमेंटम है वो मैन के मोमेंटम से ऑपोजिट है. और टोटल आंसर फिर से क्या आना चाहिए? ठीक है, तो क्लियर है. तो इसको जब भी सॉल्व किया जाएगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा? M2 V2 M1 प्लस M2 into V. ये बोट की वेलोसिटी है, बोट की वेलोसिटी इज M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2
डिनोमिनेटर अगर v अपॉन v2 की बात करोगे तो m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन जो है वो लेस देन वन है, v इज लेस देन v2, यानी कि मैन की स्पीड v2 थी, बोट की कितनी है v, जितनी आप, ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर मैन 10 की स्पीड से भाग रहा है तो बोट 12 की स्पीड से भागे पीछे, ये नहीं हो सकता। मैन अगर 10 की स्पीड से भाग रहा है तो बोट की स्पीड 10 से हमेशा कम ही होगी, क्योंकि उसको मैन को भी वापस लेके आना है। ज्यादा क्लियर है? एब्सोल्यूट वेलोसिटीज हैं, दीज आर नॉट रिलेटिव वेलोसिटीज। क्वेश्चन आपके एब्सोल्यूट पे है, अगर बाय चांस रिलेटिव पे आ भी जाए तो हम पता क्या करें, हम एब्सोल्यूट निकाल लेंगे। देखो, या तो रिलेटिव के साथ काम करेंगे या एब्सोल्यूट, और मैं जहां तक समझता हूं जितना एब्सोल्यूट में काम किया जाए ना उतना ही बेटर है, क्योंकि रिलेटिव में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आता नेक्स्ट है, सपोज नहीं, फिर तो सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो गया, फिर बोर्ड चलना बंद हो जाएगी। उसी तरीके से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर वो क्या आएगा, ट्रॉली एंड मैन है, सेम है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ट्रॉली दे देगा, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रॉलीज पे होते हैं, ट्रॉली के ऊपर मैन खड़ा हुआ है, मैन आगे चलेगा तो ट्रॉली पीछे जाएगी, सेम बोट वाला क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है इसी में वैसा आता है, एक बैलून है, बैलून के नीचे एक लैडर लगी हुई है, इसके ऊपर मैन खड़ा हुआ है, हवा में है दोनों, ठीक, मैन पहले चल नहीं रहा, बैलून चल नहीं रहा, टोटल मोमेंटम जीरो। अब क्या हुआ कि ये जो मैन है वो ऊपर चलता है m1 विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, जिस वजह से जो बैलून है वो नीचे आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि मैन जब चला मोमेंटम m1 v1, जब बैलून नीचे आया तो साथ में किसको नीचे लेके आया, मैन को, और साइन आगे सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है, बोट वाला क्वेश्चन हो गया, बैलून वाला, ट्रॉली वाला, इसमें कोई फर्क नहीं। यहां तो क्लियर है? नेक्स्ट है, जब बॉल्स की कोलिजन्स होंगी इन 1D तो P दोनों बॉल्स का क्या रहेगा, लगेगा कैसे, इसको देखो, एक बॉल आ रही है m1 विद द वेलोसिटी ऑफ u1, एक बॉल आ रही है m2 विद द वेलोसिटी ऑफ u2, फाइनली टक्कर होने के बाद v1, टक्कर होने के बाद v2, ठीक, चेंज हो गई वेलोसिटीज। अब मैंने जाके बॉल्स को क्वार्टरली धक्का नहीं मारा, अपने आप आई, अपने आप सेपरेट हो रही हैं, तो ऐसे केस में इनिशियल सिस्टम के अंदर दो बॉल्स हैं, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर होने के बाद m1 v1 m2, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बात समझ में आ रही है? तो याद है ये वर्गनोजी पार में आया करता था, वही तो मैं बता रहा हूँ, प्लस वन में बच्चों को इसलिए पिक्चर क्लियर नहीं होती, आधा मोशन में आ रहा है, आधा वर्ग पार में, आधा आगे जाके आएगा, तो प्रोजेक्टाइल में जैसे आ जाता है, तो बड़े लोग प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्टाइल्स की बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, प्रोजेक्टाइल के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आते जब हम प्रोजेक्टाइल करवाते हैं ना क्लास में, तो कई लोग बोलते हैं कि सर वो पता नहीं कैसे, समझ नहीं आता, वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया हवा में, तो बेसिकली वो टाइम ही नहीं है उस क्वेश्चन को करने का, टाइम है जब मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक, क्योंकि अब हम कर चुके हैं सारा, तो हमें पिक्चर एकदम क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है, ठीक, ये ठीक है ना?
कैसे लगेगा वो भी मैंने बता दिया. नेक्स्ट है कोलिजन्स ऑफ टू बॉल्स इन 2D. जो मैं अब बताने जा रहा हूं मैं कोलिजन में नहीं बताऊंगा, मैं सीधा कह दूंगा कोलिजन इन 2D हो गया. दो दो बार थोड़ा टाइम खराब करूंगा. ठीक, तो कोलिजन्स इन 2D के अंदर बेसिकली क्या करेंगे कि सपोज एक बॉल आ रही है M1 विद अ वेलोसिटी ऑफ U1, दूसरी बॉल सपोज M2 किस पे पड़ी हुई है, इस पे पड़ी हुई है. ठीक, टक्कर हो गई, टक्कर 2D का मतलब एक बॉल इधर जा रही है तो दूसरी बॉल इधर आ रही है. क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो मान लो M1 ऊपर चला गया, M2 नीचे, एंड ये ऊपर गया विद द वेलोसिटी ऑफ V1, तो ये नीचे आया विद द वेलोसिटी ऑफ V2. और ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके एंगल भी सेम हो. लेट्स से ये चला गया थीटा 1, लेट्स से चला गया, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक, पेज नंबर 16 डायग्राम बना हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है. सेम डायग्राम है. तो इसमें सबसे पहले हम अपने वेक्टर्स को, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मोमेंटम M1V1, इसका मोमेंटम M2V2, हम मोमेंटम्स को एक्स वाई प्लेन में जब सॉल्व करते हैं तो उसके कॉम्पोनेंट लेते हैं, एक्स के अलोंग अलग और वाई के अलोंग. तो ले सबसे पहले इसका मोमेंटम, इसका क्या होगा, M1V1 cos ऑफ थीटा 1, और ऊपर की तरफ क्या होगा, M1V1 sin ऑफ थीटा 1. उसी तरीके से इसका मोमेंटम इसके साथ क्या होगा, थीटा के साथ, M2V2 cos ऑफ थीटा 2 है ये, और इस तरफ क्या होगा, M2V2 sin ऑफ थीटा 2. एनी डाउट? ठीक है. और याद रहे जब हम वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं तो एक्चुअल वेक्टर की मेरे को कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि या तो मैं एक्चुअल वेक्टर से काम करूंगा या फिर मैं इनके कंपोनेंट से काम करूंगा, और मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर चुका, मेरे को नहीं चाहिए. क्लियर है यहां तक? ठीक. अब जब मैं बोलता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, कोलिजन है ना, टक्कर चाहे 1D हो, टक्कर चाहे 2D में हो, मोमेंटम है तो कांस्टेंट वो नहीं होने. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें दो दो मोमेंटम्स हैं, एक मोमेंटम एक्स के अलोंग है, एक मोमेंटम वाई के अलोंग है. तो अगर मैं बोलता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक्स के अलोंग भी मोमेंटम कांस्टेंट है, वाई के अलोंग भी मोमेंटम, दोनों के लॉन्ग कांस्टेंट होगा. ठीक, तो एक मोमेंटम कांस्टेंट करना पड़ेगा एक्स के लॉन्ग, एक मोमेंटम कांस्टेंट करना पड़ेगा वाई के लॉन्ग. करें तो एक्स के लॉन्ग करें पहले. तो सबसे पहले इक्वेशन जो बनेगी वो लॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगी. तो एक्स एक्सिस की तरफ जब देखना है तो बस एक्स की तरफ ही देखना है, वाई की तरफ तो देखना ही नहीं. टक्कर होने से पहले बताओ M1 का इनिशियल मोमेंटम x के अलोंग कितने है? ये तो जाई x के अलोंग रहा था, तो M1 into U1. सेकेंड बॉल किस पे थी? इज इक्वल टू टक्कर होने के बाद M1V1 cos थीटा 1 प्लस M2V2. इक्वेशन क्लियर है? पहली इक्वेशन आ गई. ठीक, सेकेंड करें, ये तो x का मोमेंटम हो गया. अब बात करते हैं किस मोमेंटम की, y के मोमेंटम की. तो अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y के अलोंग मोमेंटम अगर लेना है तो बताओ फिर टक्कर होने से पहले M1 का y के अलोंग मोमेंटम क्या था? y के अलोंग जा ही नहीं रही थी बॉडी, जीरो. सेकेंड बॉडी किस पे थी? रेस्ट पे. और इसका y के अलोंग मोमेंटम कितना है? M1V1
साइन ऑफ थीटा वन प्लस एम टू वी टू साइन थीटा टू लेकिन विद माइनस साइन. ठीक है यहां तक? तो एम वन वी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू साइन. क्वेश्चन क्या आएगा मेरे से मत पूछो, देखी जाएगी जो क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन ऐसी बनेगी. बम का एक्सप्लोजन दो टुकड़ों में, बम का एक्सप्लोजन तीन टुकड़ों में, चार में नहीं आएगा, दो और तीन का ही आता है. ठीक, बम जब एक्सप्लोड करता है दो पीसेज में अगर एक्सप्लोड कर जाए तो क्या होगा, थ्री पीसेज में एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा. बम जब एक्सप्लोड करता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन है. तो बेसिकली बम सबसे पहले किस पे पड़ा हुआ है, तो एक्सप्लोजन होने से पहले टोटल मोमेंटम. बॉम्ब जब एक्सप्लोड होगा तो एक टुकड़ा M1 आगे जाएगा विद द वेलोसिटी ऑफ V1 और दूसरे को 100% पीछे आना ही पड़ेगा विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से V2. इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं. ठीक, तो क्योंकि एक्सप्लोजन होने के बाद अगर एक टुकड़ा आगे गया तो दूसरे को पीछे इसलिए जाना पड़ेगा ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और टोटल मोमेंटम फिर से क्या जाए, आंसर को जीरो होना ही पड़ेगा. ठीक है ना यहां तक? तो m into v is a constant. तो अगर सपोज नेक्स्ट बॉम एक्सप्लोजन करना है इन थ्री पार्ट्स, तो बॉम एक्सप्लोजन इन थ्री पार्ट्स में सपोज बॉम था, एक टुकड़ा इधर चला गया m1 v1, एक टुकड़ा इधर चला गया m2 v2, तो तीसरे को कहां आना पड़ेगा, इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो कितना होगा बोलो. ये वैल्यू है m1 v1 वैल्यू, m2 v2 वैल्यू है, तो अंडर रूट ऑफ क्या, सही, बिल्कुल ठीक. ठीक है ना यादव? और तीसरा जो टुकड़ा होगा एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा विद सम वेलोसिटी ऑफ v. तो अगर मैं चाहता हूं कि टोटल मोमेंटम तो बॉम्ब का जीरो ही था, तो अगर देखो इसको इसको सॉल्व करके तो ये आई गया, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो नेट आंसर क्या जाएगा, वेक्टर कैंसिल कर गए सारे, और ऐसा 100% होगा m इंटू एम थ्री इंटू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2. यहां से सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा. यहां तक क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन थ्री पार्ट्स. नेक्स्ट वर्क एनर्जी पार के तो आधे क्वेश्चन इसी ऊपर बेस्ड है जो मैं करवाने जा रहा हूं. क्या सपोज एक ब्लॉक है कैपिटल एम हवा में लटका हुआ है, सपोज एक बुलेट आया ऑफ मास एम वन मूविंग विद यू वन, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो कैपिटल एम है उसमें स्मॉल एम रेस्ट पे आ गया, लेकिन ये दोनों इकट्ठे चल पड़े विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ वी. फेमस क्वेश्चन है ना कि वो ब्लॉक पड़ा हुआ था रेस्ट पे आ गया, इसको कोलिजन की कैटेगरी बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें सेपरेशन नहीं होती. कई कोलिजन में सेपरेशन होती है, बॉल आई बॉल चली गई, सेपरेशन है. कईयों में क्या होता है, इकट्ठे चल पड़ते हैं, जब इकट्ठे चलते हैं नो सेपरेशन, परफेक्टली इन इलास्टिक. हम करेंगे उसमें क्लासिफाई, बट अभी चलो छोड़ो है कि नहीं इलास्टिक इन इलास्टिक. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें
टक्कर हो रही है, हमें इतना मालूम है कोलिजन हो रही है, और अगर कोलिजन हो रही है तो समझो मोमेंटम कॉन्स्टेंट। टक्कर होने से पहले मोमेंटम देखें, कोलिजन होने से पहले मोमेंटम कितना है, m1 into u1। कोलिजन हो गई, और अगर कोलिजन हो गई तो टोटल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, m plus m into v। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद मोमेंटम की वैल्यू विल बी सेम। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो बस यहां से आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड कॉमन वेलोसिटी, फिर वर्क एनर्जी पार्ट में देखी जाएगी कि वो हाइट अटेन कर लेगा, एनर्जी कंजर्वेशन बात की बात है। वर्क एनर्जी पार्ट का काम तो इसके बाद स्टार्ट होगा, पहले आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल लेनी है। इकट्ठे चल पड़े, अब उसके अंदर आ गया ब्लॉक के, और फिर इकट्ठे चल पड़े विद अ कॉमन वेलोसिटी। कई बुक्स में इसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलते हैं, एक ही बात है। पॉइंट क्लियर है यहां? नेक्स्ट है न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, सेम एज बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोई करने की जरूरत नहीं। दो टुकड़े हुए क्या करना है, तीन टुकड़े हुए क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा रेस्ट पे होगा। लो फिर न्यूमेरिकल लिखो, सपोज क्वेश्चन बताता हूं क्या आएगा। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस of mass capital A initially emits alpha particle with speed v. What will be recoil speed of nucleus की recoil speed निकालनी है आपको, क्या होगी? इसमें करना क्या है, क्या एमिट हुआ, मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, जो भी है 4, मान लो ए टोटल मास नंबर ए था, तो अगर टोटल मास नंबर ए था पहले, न्यूक्लियॉन्स एक तरीके से ए थे, और सपोज क्या हुआ कि इसमें से हीलियम निकल गया, हीलियम का मतलब चार मास निकल गया, और कितनी वेलोसिटी से निकला, वी, तो बचा कितना, ए माइनस, कितनी वेलोसिटी से निकल गया, लेट से v डैश, ये न्यूक्लियस से बचा हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन, 4 into v is equal to a minus 4 into v डैश। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल टू पार्ट्स, प्रोजेक्टाइल थ्री पार्ट्स, तीन टुकड़े होंगे या फिर दो टुकड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन है, m1 v1 m2 v2 क्वेश्चन है इसका। सपोज एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m, एंड सपोज वेलोसिटी इसकी v थी, मैंने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा। आगे लिखो, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पर इसके दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स ऑफ इक्वल मास, इक्वल मास इसके दो पार्ट्स हो गए, यानी कि m/2 में टूट गया ये। इसमें से एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या कर गया, अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, वापस आ गया। तो बताओ जो सेकेंड पार्ट होगा
उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। ट्रेस पर चलो जहां गिर गया गिरने दो, उसकी वेलोसिटी निकाल दो कितनी वेलोसिटी से गया। प्रोजेक्टाइल के अंदर दो कंपोनेंट वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोजन हुए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। मोमेंटम कंजर्वेशन या तो एक्स में होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन या तो वाई में होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है सिर्फ एक्स, तो मोमेंटम कंजर्वेशन किसमें लेना है ओनली अलोंग एक्स, वाई में तो लेना ही नहीं, ठीक है यहां तक। तो इसलिए अब रूल क्या बोलते हैं कि एक्सप्लोजन होने से पहले टोटल मास एम था, एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल मोमेंटम बोलो एम इंटू वी कॉस थीटा, सही आंसर एम इंटू वी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक पार्टिकल एम बाय टू अपना पाथ रीट्रेस कर गया, रीट्रेस का मतलब वापस चला गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है वी कॉस थीटा, लेकिन यहां पर माइनस वी कॉस थीटा, टॉप हाँ वैसे ही सर टॉप मोस्ट के हर पॉइंट पर वी कॉस थीटा होती है बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन क्या रहती है प्लस जो दूसरा टुकड़ा है उसके बारे में निकालना है वी टू निकाल लेना आंसर, ठीक है यहां पर।